जय हिंद दोस्तों, मैं प्रकाश पांडे। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। तो जैसा कि हमने पिछले साल भी फाउंडेशन सब्जेक्ट की क्लासेज लगाई थी, तो बता दूं जितने भी बच्चे थे उनको हमने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, और पिछले साल भी लाइव क्लासेज लगाई थी, उन सभी से पूरे पूरे क्वेश्चन आए थे। और बता दूँ कि यदि 50 नंबर का पेपर था तो सभी ने लगभग लगभग यदि एक बात किया जाए, आकलन लिया जाए, तो 36 नंबर से ऊपर ही बच्चे ने 50 नंबर में 36 नंबर से ऊपर ही पाया है। किसी ने 42 पाया है, किसी ने 45, किसी ने 40, मतलब फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड आया है। और इस साल भी हम फाउंडेशन की क्लासेज लगा रहे हैं। पेपर के समय हम आपको फिर से PDF देंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की देंगे PDF, जिस प्रकार पिछले साल दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, यदि आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे तो हमने फाउंडेशन बस की PDF नहीं दी थी, हमने मैथ की भी दी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सारी दी थी। और पता है उस PDF का हमने प्राइस रखा था केवल 5 रुपये रखा था, एक PDF का 5 रुपये। बहुत से लोगों ने 5 रुपये में उन PDF को ख़रीदा था, लेकिन कुछ ने जो पढ़ा था, मतलब जैसे हमने मैथ का पेपर का दिया था, ठीक है, 5 रुपये मात्र दिया था, और बाकी उनका तो फाउंडेशन वालों को हमने फ्री में दिया था। फाउंडेशन का जो था हमने फ्री में दिया था, इंग्लिश सॉरी क्लास भी हमने फ्री में लगाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्री में दिया था, लेकिन जो मेजर माइनर होते हैं इनका हमने मात्र 5 रुपये में दिया था। तो कुछ लोगों ने खरीदा था, कुछ ने नहीं खरीदा था, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने खरीदा था 5-5 रुपये की PDF। जो पेपर देख के आ रहे थे, यदि मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं टोटल पेपर में, तो हमने 25 क्वेश्चन के आसपास टोटल उस PDF में लिख दिया था, क्वेश्चन वही आ गए। अब कुछ लोग जब पेपर देख के आते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि पूरा PDF से आया था, लेकिन हम सोचे 5 रुपये की PDF इसकी क्या मूल्य होगा, इससे हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी सारे मैसेज आए थे। इस साल भी हम आपको PDF वगैरह देंगे। उसके पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि फाउंडेशन के भी क्लासेस तो लग रही हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं लाइव क्लासेस, ठीक है, आप लोग उसको पढ़ो। बीच बीच में हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब बता देते हैं, ठीक है। अब हम एक बहुत ही अच्छी आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, वो जानकारी ये है कि ओल्ड पेपर जो पिछले साल नई शिक्षा पद्धति के अनुसार जो पेपर हुए थे सभी विषय के, मेजर जैसे मैथ, बॉटनी, इधर से बीए के हो गए हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, फाउंडेशन के हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण वगैरह, इन सभी के हम ओल्ड पेपर लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। यही सूचना देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, और जो हमने पिछले साल करवाया था उससे पूरा आया है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप लोग लाइव क्लास आया करिए, डेली देखा करिए, हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी जो बच्चे हैं मैं बता दूँ, मेजर वगैरह में, माइनर वगैरह में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, क्या सप्लीमेंट्री हैं, आप लोग अभी से मेहनत शुरू कर दो। देखो मुश्किल से मार्च, अप्रैल, मई, मतलब यही अप्रैल के आसपास आपके पेपर हो जाएंगे। CC जो है फर्स्ट ईयर वालों की मैं बता दूं जो CC की डेट है, CC की डेट जनवरी में आना है लगभग, ये एस्टीमेट है, ठीक है, मैं अभी कन्फर्म, मतलब एस्टीमेट एक अनुमानित तिथि है, ये जनवरी में CC होंगे। आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। फाउंडेशन क्या होता है ये एक वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। नई शिक्षा पद्धति में पेपर कैसे होते हैं मेजर माइनर के, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लो, तैयारी करना शुरू कर दो। सो यही बताने के लिए मैं आपके सामने आया था। सो थैंक यू, जय हिंद।